नजर दुखिया इस दासी पर डाल दो एक नजर, दुखिया इस दासी पर डाल दो एक नजर। सारी बगिया बिना जल के मुरझा गई, फिर बारिश हुई भी तो क्या फायदा, लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, कब तक यूं रोटी होगी बता। मेरा तेरे शिवा कोई और नहीं, मेरा तेरे शिवा कोई और नहीं, मेरे दुख का कोई और छोर नहीं, मेरे दुख का कोई और छोर नहीं। मेरी हालत पे आता तरस क्यों नहीं, इन जन्मों के कर्मों की है ये सजा, लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, कब तक यूं रोटी रहोगी बता। एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं, पल भी बिना तेरे कटता नहीं, एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं, तू चरणों से रख मुझको यो ना सका, लाडली राधिका प्यारी करुणामयी, कब तक यूं रोटी रहोगी बता। प्रार्थना सुनकर के राधारानी कृपा करती हैं और इनको दर्शन देती हैं, इनको दर्शन देती हैं, उसके बाद इनका लीलाओं में प्रवेश हो गया सखी भाव से। जीवन के अंतिम दिनों यही प्रेम माधुरी बाई वृंदावन में रही हैं। इन्होंने एक बार कहा था मति शरण जी को कि मति शरण, कभी मैं अपने आप को मानती थी कि मैं दुनिया की सबसे अभागी नारी हूं, कभी जयपुर में थी यही मानती थी कि मैं दुनिया की सबसे अभागी नारी हूं, लेकिन आज मैं तुमसे कह रही हूं दिल की बात, दुनिया में मुझसे भाग्यशाली कोई और नारी नहीं है, मेरा सुहाग है मेरे श्याम सुंदर। यह है भक्ति का चमत्कार। मति शरण से कहा एक बार मुझको मैं ठाकुर जी के पास ले जाओ मंदिर में, जिनकी मैंने जीवन भर सेवा की। ले गए, प्रणाम किया, प्रणाम करके जो भी परस्पर भक्त भगवान की वार्तालाप, उसके बाद कमरे में लेके जाते शरीर को छोड़ दिया, चले गई सादा के लिए अपने प्रीतम के घर सखी भाव से। शेष कथा कल होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।